अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां विजयादशमी नवरात्रि के पावन अवसर पर जिले के डभौरा नगर में जन प्रेरणा कल्याण की अध्यक्ष पूर्णिमा तिवारी द्वारा जालपा मंदिर से संतोषी माता मंदिर तक 2 अक्टूबर के दिन रविवार को 221 मीटर लंबी सर्वधर्म विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा में ढोल बैंड डीजे की धुन में नाचते गाते जयकारे लगाते हुए सभी श्रद्धालु जन चुनरी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई डभौरा की कुल देवी संतोषी माता मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के साथ भक्तों ने माता रानी को चुनरी चढ़ाई। चुनरी यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह रहा। सर्वधर्म विशाल चुनरी यात्रा जालपा मंदिर से शुरू हुई और संतोषी माता मंदिर में इसका समापन किया गया। यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस थाना डभौरा को आवेदन आयोजक मंडल द्वारा पूर्व में दिया गया था, जिसमें डभौरा पुलिस का सराहनीय योगदान मिला, जहां यातायात व्यवस्थित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आयोजक मंडल ने प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। 51 मीटर सर्वधर्म विशाल चुनरी यात्रा की अगुवाई आयोजक जन प्रेरणा कल्याण की अध्यक्ष पूर्णिमा तिवारी द्वारा की गई। तमाम भक्त मंडली उपस्थित रही। आयोजककर्ता चुनरी यात्रा से 500 से ज्यादा महिलाओं ने कतारबद्ध होकर भाग लिया। सर्वधर्म सामाजिक एकता सद्भाव का परिचय देते हुए 3 किलोमीटर पैदल चल माता की चुनरी पकड़कर जयकारा लगाते हुए जालपा मंदिर से संतोषी माता मंदिर पहुंच माता रानी को चुनरी चढ़ाकर अपने परिवार की सलामती खुशहाली के लिए माता रानी का आशीर्वाद एवं देश में शांति एवं सर्वधर्म सर्व जातीय में प्रेम बना रहे, इसी कामना के साथ माता का पूजन अर्चन किया गया। समग्र समाज का कल्याण हो, उसी भावना के साथ माता रानी को चुनरी चढ़ाई गई। सर्वधर्म विशाल चुनरी यात्रा में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु जय माता दी का उच्चारण करते हुए चल रहे थे। महिला श्रद्धालु लाल चुनरी से सजी यात्रा के आगे डीजे की धुन में गरबा करते हुए माता रानी के गानों पर थिरकती हुई चल रही थी। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह स्वागत के लिए खड़े व्यापारियों व नगरवासियों द्वारा फूलों की वर्षा कर जयकारा 3 घंटे तक यात्रा नगर भ्रमण पर निकाली, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण डभौरा नगर भक्ति के एक रंग में समाहित होकर खुशियों से सराबोर हो रहा है। पैदल यात्रा के दौरान 2 घंटे तक चुनरी यात्रा नगर में भ्रमण करती रही। सर्वधर्म चुनरी यात्रा में सभी समाज की महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों ने भाग लिया। सभी ने माता रानी की पूजा अर्चना की और प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। Yeah.